नमस्कार बच्चों। तो पाइथन क्लासेस में मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जहां से हमने अपनी पिछली क्लास छोड़ी थी। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो हमने चालू किया था अपना क्लास 11 के चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। वहां पर हमने डिस्कस कर लिया था फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट का रिक्वायरमेंट कहाँ से आया, क्यों हुआ, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ उनके, फिर ये सिस्टम ऑफ यूनिट कैसे डेवलप हुए, सिस्टम ऑफ यूनिट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, कौन सी कंट्री में कौन सा यूज होता था। फिर हमने इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड बनाया यूनिट्स को मेजरमेंट के लिए, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था सप्लीमेंट्री यूनिट्स, प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, कैसे मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। और फिर हमने लेंथ, मास और टाइम, ये जो तीन है बेसिक यूनिट, ये टोटल तो बेसिक एसआई यूनिट जो है वो सात है, ठीक है, लेकिन लेंथ, मास, टाइम जो हमको डिटेल में पढ़ना था तो उसकी हमने डेफिनेशन और देख ली थी, है ना। तो आज जो है हमें, आज की क्लास में जो हमने डिस्कस करना है वो हमें डिस्कस करना है कहां से, मेजरमेंट ऑफ लेंथ से, ठीक है। तो ये हो गया, ये जो है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ जो हमारा हमने पढ़ लिया है, हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये लेंथ, मास और टाइम को हमको थोड़ा डिटेल में देखना है यहाँ पर। तो एनसीईआरटी में मेजरमेंट ऑफ लेंथ जो हेडिंग है उसके अंदर एक पहले थोड़ी सी थ्योरी दी हुई है। थ्योरी ये दी हुई है कि बेसिक लेंथ मेजरमेंट यूजिंग नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे हम लोग बेसिक जो लेंथ है वो हम लोग मेजर कर लेते हैं, ठीक है। वो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है? तो नॉर्मल जो आप रूलर यूज करते हैं अपने पास, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी होगा, उसके बारे में बताया है कि भाई जो रूलर है वो ऐसे ऐसे करके देखिए उसमें लाइंस बनी होती हैं, ठीक है। तो वहां पर आप 1 mm तक, सबसे छोटा जो लेंथ है 1 mm तक वहां पर आप मेजर कर सकते हैं। और मैक्सिमम आप कहां तक मेजर कर सकते हैं? 15 सेंटीमीटर तक आप मेजर कर सकते हैं, है ना। ये रेंज होती है इसकी, रूलर की, ठीक है, 15 सेंटीमीटर तक। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ना इससे नीचे मेजर कर पाओगे ना इससे ऊपर मेजर कर पाओगे इस स्केल की मदद से, है ना। तो ऐसी एक और इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया, वर्नियर कैलिपर। तो फिजिक्स की लैब जो है आपके स्कूल में, ठीक है, उसमें, उस लैब में आप देखिएगा वर्नियर कैलिपर करके इंस्ट्रूमेंट होगा, जरूर होगा, ठीक है। वो कुछ इस तरह से दिखता है बच्चों, देखिए ऐसा करके कैलिपर्स होते हैं, फिर एक मास्टर होता है और एक रूलर होता है, ठीक है, ऐसे करके दिखता है, ठीक है। इन जॉ या फिर कैलिपर्स के बीच में हम लोग अपना वर्कपीस रखते हैं और उसका डायमेंशन लोग मेजर करते हैं। इसका जो लीस्ट काउंट होता है बच्चों वो होता है 1.01 mm तक, ठीक है। लीस्ट काउंट मतलब क्या हो गया कि कितना छोटा से छोटा क्वांटिटी हम लोग इससे मेजर कर सकते हैं। तो 0.1 mm जो होता है वो वर्नियर कैलिपर से हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट बताया है वो बताया स्क्रू गेज, ठीक है। तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो बताया स्क्रू गेज, ठीक है। स्क्रू गेज में हम लोग बच्चों, स्क्रू गेज में जो हमारा लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 mm। तो अगर आपको और छोटा डायमेंशन मेजर करना है, ठीक है, जैसे सपोज वायर का जो डायमीटर वगैरह है, बहुत थिन वायर है कॉपर की, ठीक है, कॉपर की थिन वायर वगैरह जो है, इलेक्ट्रिकल वायर जो होती है कॉपर की बनी होती है, ठीक है, उनका डायमीटर हम लोग इससे मेजर कर सकते हैं। तो 0.01 mm तक जो है हम लोग डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं स्क्रू गेज की मदद से, ठीक है। लेकिन क्या हो कि अगर इससे भी नीचे हमको मेजर करना पड़े या फिर बहुत ही बड़ा डिस्टेंस हमको मेजर करना पड़े, ठीक है, तो वो चीज हम लोग कैसे मेजर करेंगे उसके बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिक लेंथ मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब जो टॉपिक आता है वो आता है मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस का मतलब यह है कि वो डिस्टेंस जो बहुत बड़े हैं, मतलब सपोज हमको अर्थ से खड़े होकर के मून का डिस्टेंस निकालना है या फिर सन का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, अर्थ से सन का डिस्टेंस हमको निकालना है, अर्थ से हमको मून का डिस्टेंस निकालना है, तो ये जो डिस्टेंस होते हैं बच्चों ये डिस्टेंस बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस होते हैं। तो बड़े बड़े जो डिस्टेंस होते हैं उनको हम लोग जो मेजर करते हैं उन्हीं को हम लोग बोला जाता है मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। तो चलिए देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस में क्या मेथड बताया है। तो एनसीईआरटी में जो मेथड डिस्कस किया हुआ है लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए वो है पैरेलेक्स मेथड, ठीक है। तो मैं आपको बच्चों पहले बताऊंगा पैरेलेक्स मेथड होता क्या है, पैरेलेक्स क्या होता है, बेसिस क्या होता है, इन सबकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो डिस्कशन ऐसा है कि सपोज ये कोई
आप ही हैं समझ लीजिए, है ना, ये कोई स्टूडेंट है, आप ही हैं समझ लीजिए, ठीक है। और आप किसी एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, पहले ना इस ऑब्जेक्ट को अपनी राइट आई से देखिए, ठीक है, और लेफ्ट आई क्लोज कर लीजिए। पहले आप राइट आई से देखिए और लेफ्ट आई क्लोज कर लीजिए, ठीक है। तो आपको ये ऑब्जेक्ट यहां दिखेगा, फिर आप क्या कीजिए, अपनी लेफ्ट आई से देखिए और राइट आई क्लोज कर लीजिए, तो आपको थोड़ा सा ना ये ऑब्जेक्ट शिफ्ट करके यहां नजर आएगा। एक बार करके देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ हाईफाई नहीं है, आग भी आपके पास दी हुई है, ऑब्जेक्ट भी आपके पास कुछ ना कुछ अवेलेबल होगा ही, ठीक है। तो एक बार ऐसा करके देखिएगा, एक बार लेफ्ट बंद कीजिए, एक बार राइट बंद कीजिए, तो आपको ना दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं जो आप देखेंगे, वो एक ही ऑब्जेक्ट मतलब जो आप देख रहे हैं, वो दोनों बार जब आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको शिफ्ट नजर आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप एक आंख बंद करके देखते हैं ना, तो हमारी आंखों के बीच में डिस्टेंस होता है, ठीक है। उसी डिस्टेंस के कारण ये जो हमको देखने में शिफ्ट आ रहा है वो हो रहा है, ठीक है। और जो ये शिफ्ट होगा ना, आप देखेगा ये शिफ्ट भी उतने ही डिस्टेंस से होता है एक्चुअली, जितना डिस्टेंस आपकी आंखों के बीच में होता है, ठीक है। तो इसी डिस्टेंस को बोला जाता है बेसिस, जिस डिस्टेंस से आपका ऑब्जेक्ट शिफ्ट हुआ उसको आप बोलेंगे बेसिस, ठीक है। और द फिनोमेना ऑफ शिफ्टिंग, इस फिनोमेना को जो शिफ्ट हो रहा है, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं पैरेलेक्स, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आएगा पैरेलेक्स और बेसिस, ठीक है। यहाँ पे जो बी है वो डिस्टेंस वही है जो आपकी आंखों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये जो है आपने पैरेलेक्स तो डिस्कस कर लिया, लेकिन ये हमारा मदद कैसे कर रहा है, ये हमारा मदद कैसे कर रहा है मेजरमेंट में, तो आप ये डायग्राम देखिए जरा, ये वाला डायग्राम देखिए, ठीक है। ये मैं ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा था एक्चुअली, ठीक है, ढंग से बनानी, समझ लीजिए ट्रायंगल है, ठीक है, इसके बीच में ये एंगल थीटा है। तो ये डायग्राम और ये डायग्राम आप देखिए एक ही है ना, इसी डायग्राम को मतलब जो ये डायग्राम बनाया और ये डायग्राम जो है वो एक ही है, ठीक है। तो लार्ज डिस्टेंस हम लोग कैसे मेजर करेंगे, तो आप ये देख लीजिए, आप सपोज अर्थ पे खड़े हैं, ठीक है। तो आप एक बार ए पॉइंट से खड़े होकर के कोई ऑब्जेक्ट देखिए, सपोज ये जो है आपको बहुत दूर वाला चीज मेजर करना है ना, तो इसको आप मून समझ लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए, ये एस है तो सन मान लीजिए, चलिए सन का हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ए पॉइंट पे खड़े होकर आपने सन को देखा, ठीक है, और फिर आपने बी पॉइंट पे खड़े होकर के आपने सन को देखा, दो जगह से, दो अलग अलग जगह से आप सन को देख लीजिए, ठीक है। तो ये एंगल जो है, ये एंगल आप लोग इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर कर सकते हैं कि भाई ये एंगल कितना होता है, ये एंगल आपको पता होता है, ठीक है, इतना तो हमारी साइंस डेवलप हो गई कि ये थीटा एंगल आपको पता होता है, हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों डिस्टेंस के, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हम लोग आपको पता, ये हम लोग को पता होता है, ठीक है भाई, ए और बी यहाँ से यहाँ तक चल के गए तो इतना तो आपको डिस्टेंस मेजर कर ही सकते हो, ठीक है। हमको मेजर करना है ये डिस्टेंस जो सन से अर्थ का है, ठीक है, हमको मेजर करना है ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस जो होता है वो डी होता है, ये डिस्टेंस हमको सन से जो अर्थ का डिस्टेंस है वो हमको मेजर करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ डी तो इसको बनाया हुआ है, तो क्या ये लेंथ और ये लेंथ सेम होती है? जी नहीं, जब आपका डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, जैसे ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल आपका, ये थीटा बहुत बड़ा है, ये थीटा बहुत बड़ा है और ये डिस्टेंस बहुत छोटे हैं, तो ये और ये जो लेंथ होती है वो बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो इस मेथड में हम लोग दो अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे, जब भी हमारी कैलकुलेशन बच्चों साइंटिफिक वे में आप जाएंगे ना, तो हम लोग और ज्यादा अप्रोक्सीमेट करते जाते हैं, आप लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, वो सब भी कुछ नहीं, अप्रोक्सीमेशन मेथड्स ही हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या अप्रोक्सीमेशन मान रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन हम लोग ये मान रहे हैं कि सन का जो डिस्टेंस है ना वो अर्थ से बहुत दूर है, तो ये जो थीटा एंगल होता है ना, ये थीटा एंगल बहुत छोटा होता है, ठीक है, मतलब ये डिग्री में भी नहीं होता है, ये आप मतलब सेकंड मिनट में निकालेंगे तो होगा। वैसे मैंने आपको जो लास्ट क्लास में एक चीज डिस्कस नहीं करी थी, चलिए याद आ गया, तो मैं एक बार पहले वो डिस्कस कर लेता हूँ तभी इस पे आता हूँ। वो मैंने ये डिस्कस नहीं किया था कि प्लेन एंगल और जो सॉलिड एंगल होता है, इनके जो एसआई यूनिट होते हैं वो मैंने बताना भूल गया था मैं पिछली क्लास में। तो प्लेन एंगल का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है रेडियन में, डिग्री में नहीं होता है, ठीक है, होता है रेडियन में। और सॉलिड एंगल का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है स्टर रेडियन, स्टर रेडियन होता है,
तो सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है और प्लेन एंगल का रेडियन होता है, ठीक है। और हम लोग जो मेजरमेंट जनरली करते हैं इंडिया में वो डिग्रीज में करते हैं, ठीक है। तो हमको अगर हम लोग डिग्री में कर रहे हैं और ऐसा यूनिट रेडियन है, तो हमको एक मेथड पता होना चाहिए जो हम लोग डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, करेक्ट है ना। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सिंपल है, आप एक चीज देखिए कि ऐसे समझ लीजिए, ये एक कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट सर्कल है, इसका तो एंगल 360 डिग्री होता है कंप्लीट सर्कल का, है ना। आप एक और चीज देखेंगे कि थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, मैंने आपको बताया था रेडियन वाला जो मतलब प्लेन एंगल है वो, उसका मैंने आपको बताया था आर्क ऑफ लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ रेडियस थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर मैंने बताया था। तो अगर ये पूरा सर्कल आप लोग मान ले, तो पूरा सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है यानी एल है, वो आपका 2πr हो जाएगा, वो 2πr हो जाएगा, सही है। और जो रेडियस है वो r है, तो यहाँ पे आप r ले लीजिए, तो r r कट गया, तो जो 2πi आया ना, ये 2πi है वो रेडियन में ही होगा, क्योंकि SI यूनिट का डेफिनेशन आपका मतलब ये जो थीटा का जो डेफिनेशन है वो आपका SI यूनिट के हिसाब से ही होता है, तो ये आपका रेडियन में आ गया बराबर। लेकिन ये जो एंगल है वो तो 360 डिग्री था, लेकिन थीटा तो 2πi दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि डिग्री 360 डिग्री में, 360 डिग्री में आपका, तो 360 डिग्री में इसका मतलब ये हो गया कि 360 डिग्री में आपका 2πi रेडियंस होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि एक डिग्री में आप बताइए कितना रेडियन हुआ, तो आप बोल सकते हैं 2πi अपॉन 360, और ये कट जाएगा 180 हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि एक डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियंस होते हैं, ठीक है। ये समझ में आया आपको, इसके न्यूमेरिकल हमको डिस्कस करने हैं, इसलिए मैं ये टॉपिक भी आपको छूट गया था, मैंने बता दिया, ठीक है। और इसका यूज हो करके हम लोग को यहाँ पर मदद मिलेगी, इसलिए इसका डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है ना वो आपका हमेशा रेडियन में दिया रहेगा, ठीक है, या फिर डिग्री में दिया रहेगा, तो आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियन से ही हमारी सारी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो जनरली आपके क्वेश्चन में जो थीटा है वो डिग्री में देते हैं और आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, तो जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन हालांकि हम लोग अभी एग्जांपल जो है यहाँ पे मैंने दो एनसीईआरटी से उठाए हैं, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, जरूर डिस्कस करेंगे कैसे करते हैं, तभी आपको जो थ्योरी है वो पूरी तरह से समझ में आएगी, ठीक है। अच्छा, अब स्टेर रेडियन क्या है, स्टेर रेडियन भी भाई ऐसा ही है, यूं समझ लीजिए क्या है, देखिए स्टेर रेडियन जो होता है वो हमारा 3D एंगल होता है, है ना। तो स्फीयर का आप जान ही रहे हैं कि एरिया जो होता है वो 4πr² होता है, है ना, 4πr² होता है, और आपने ए एरिया अपॉन आर स्क्वायर, एरिया अपॉन आर स्क्वायर आपका क्या होता है, ओमेगा, यानी सॉलिड एंगल होता है। तो एक कंप्लीट स्फीयर के लिए, कंप्लीट स्फीयर के लिए 4πi स्टार रेडियन होता है, ठीक है। हेमिस्फीयर के लिए ओमेगा जो होता है वो 2πi होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो लेकिन सॉलिड एंगल जो है वो हमारी और हायर फिजिक्स में यूज होती है, तो आप बस अभी एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। इतना आप याद रखिए कि भाई स्फीयर के लिए जो हमारा स्टार रेडियन होता है वो 4πi होता है, और हेमिस्फीयर के लिए हमारा जो होता है वो 2πi होता है। आपको डेफिनेशन इसकी याद होनी चाहिए कि a अपॉन आर स्क्वायर करके, ये डेफिनेशन होती है हमारी स्टेरिडियन की, जो कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अच्छा चलिए एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं फर्दर। तो चलिए देखते हैं आगे, आगे क्या है, एक बार देख लेते हैं इसको, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट बस। अच्छा तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे बहुत फार डिस्टेंस है तो उसको हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। तो मैं अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा था, अप्रोक्सीमेशन की बात ये थी कि हम लोग दो चीज़ जो अप्रोक्सीमेट इसमें मान लेते हैं, वो होता है कि पहला ये होता है कि डिस्टेंस बहुत बड़ा होना चाहिए, डिस्टेंस बहुत बड़ा होना चाहिए, जैसे अर्थ से हम लोग सन का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, तो ये डी शुड बी वेरी वेरी लार्ज, ठीक है। दूसरा ये होता है कि थीटा जो होता है, थीटा जो है वो इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल नहीं होगा ना बच्चों, तो हम लोग ये अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते कि ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है, दिस लेंथ एंड दिस लेंथ, इसको आप इक्वल नहीं बोल सकते अगर थीटा आपका बड़ा है। तो थीटा आपका बहुत स्मॉल होना चाहिए, डी आपका बहुत बड़ा है, अगर थीटा स्मॉल होगा तो ये और ये डिस्टेंस आपका एक ही होता है, ठीक है। अब ये भी देखिए कि ये भी जो है वो एक्चुअल में होती तो आर की है ना, अगर ये जो फॉर्मूला निकाला है आपने डी इज इक्वल टू बी बाय थीटा, ये तो आर्क के लिए होता है ना, आर्क तो ऐसी होती है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ली है, स्ट्रेट लाइन हम लोग तभी अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं जब ये थीटा बहुत स्मॉल होगा। तो ये दो चीज है, ठीक है, डी बहुत बड़ा हो, डी बड़ा है और थीटा बहुत स्मॉल है, तो ये आर्क को हम लोग ये लेंथ
स्ट्रेट लाइन से हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से जो हमारा प्लेन एंगल का फॉर्मूला है, डी इज इक्वल टू बी बाय थीटा, जैसे होता तो थीटा बाय एल बाय आर है ना, है ना, तो आर जो डिस्टेंस है वही हमारी आज यहाँ पर क्या हो जाती है, डी हो जाती है। भाई ये देखिए ना, ये आर ही तो है, और ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो हमारा बी हो गया, है ना, और ये हमारा थीटा हो गया। प्लेन एंगल का फॉर्मूला यही होता है, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, तो बी बाय डी, तो अगर डी आपको निकालना क्या हो जाएगा, बी अपॉन थीटा हो गया। तो प्लेन एंगल के ही फॉर्मूले से ये आया आपका लॉन्ग, जो लार्ज डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग, दो क्वेश्चन हैं ये हम लोग को मेजरमेंट के जो है एग्जाम्पल के रूप में, दो तीन क्वेश्चन एनसीईआरटी में डिस्कस किए हुए हैं, तो मैंने जिससे आपको बाकी भी सब समझ में आ जाए वो वाले एग्जाम्पल लिए हुए हैं। तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट है 2.1 वाला, क्योंकि ये फर्दर कैलकुलेशन में मदद करेगा, और दूसरा ये एक मून का अर्थ से डिस्टेंस निकालने के लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। फिर और भी एग्जाम्पल है वो सन का दिया हुआ है निकालने के लिए, तो अगर आप ये निकाल सकते हैं तो बाकी सारे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं इसको देख लेते हैं ये क्या है। तो मैंने आपको अब इसमें क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट और 1 सेकंड ऑफ आर्क और आर्क सेकंड इन रेडियंस, ठीक है। तो ये तो भाई यूज करने के लिए बोल रहा है 360 degrees 2π, ये तो आपको पता ही है ना, आपको ये चीज तो पता ही है कि 1 डिग्री जो होता है वो होता है पाई अपॉन 180, है ना। अरे भाई कोई बड़ी चीज नहीं है, देखिए 1 मीटर में जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 सेंटीमीटर होता है, है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो अगर आपको 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे आप, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया था ना कि 360 degrees = 2π, तो 1 डिग्री में 2π/180 होता है रेडियन, ठीक है। तो अगर आपका डिग्री है उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका रेडियन में आ जाएगा। आया आपको समझ में? अच्छा, अब एक और चीज है कि 1 डिग्री में ना 1 डिग्री में 60 मिनट हो, ये भी दिया ही हुआ है, देखिए सब चीज तो दिया हुआ है, आपको करना क्या है, बस कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन तो कर ही सकते हैं आप, फिजिक्स के स्टूडेंट है, मैथ के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट है भाई, ठीक है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको 1 मिनट बोल दिया जाए कि 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, तो क्या करेंगे, इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आता है, डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना आता है, तो आप पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 मिनट में कितना डिग्री हो गया, 1/60 degrees हो गया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आ गया इतना रेडियन हो गया, इतना जो है वो रेडियन हो गया। नेक्स्ट जो है वो आपका वो है 1 सेकंड, डबल डॉट मार दो तो सेकंड हो जाता है, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितना रेडियन है वो निकालना है, आप कैसे निकालेंगे, तो आप ये जान रहे हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितना मिनट हो गया, 1/60 मिनट हो गया, ठीक है, एक डॉट मारा तो मिनट हो गया। और 1 मिनट में आपका, 1 मिनट में आपका कितना होता है, 1/60 degrees होता है, तो फिर से आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/3600 degrees हो गया। अब डिग्री को कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को सेकंड रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप क्या करेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इतना जो है वो 1 सेकंड में इतना जो है वो रेडियन हो जाता है, ठीक है। खाली आपको मल्टीप्लाई करके देखना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो एक्सरसाइज है बस इसको आप कन्वर्जन के लिए आपको सिखाई गई है कि भाई डिग्री को आपको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, या मिनट को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, या सेकंड को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करते हैं, वो आपको यहाँ पे एक्सरसाइज में बताया गया, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो होपफुली ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अगर आपको एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है, थ्योरी मैंने क्या बताई वो नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार वापस से आप देखिए, आप लाइव क्लास में तो है नहीं कि आप पीछे करके देख नहीं सकते, आपके पास वीडियो जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो एक बार आप वापस से पीछे जाइए और दोबारा पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है ना। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। आगे जो हमारा डिस्कशन है वो है हमारा डिस्कशन इसके ऊपर, एग्जाम्पल 2.3 जो है एनसीईआरटी में ये दिया हुआ एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है कि देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका जो है सॉल्यूशन वो सॉल्व हो ही जाएगा। देखिए, द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 2 diametrically अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ, ठीक है। तो मून को ऑब्जर्व किया जा रहा है कहां से,
डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से ए एंड बी जो है अर्थ पर, ठीक है, अर्थ हो गए ये सपोज, ठीक है, इनके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स जो है वो ये हो गए। अगर ये डायमीटर है, ये डायमीटर है डी, सपोज डायमीटर डी सपोज कर लीजिए आपका अर्थ का डायमीटर है, तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ये हो गए ए और बी, ठीक है, ए और बी ये पॉइंट हो गए। तो अर्थ से आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं मून को, अर्थ से आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं मून को, ठीक है। तो ऐसा कोई एक बार यहां से देखे और एक बार आप बी पे खड़े होकर देख लिए, एक बार आप बी पे खड़े होकर देख लिए, तो ये सपोज ये लेंथ एल हो गई, यही लेंथ आप एल जो है मतलब डिस्टेंस ऐसे होगी ना, अर्थ से मून की डिस्टेंस जो होगी वो एल ये होगी, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि अप्रोक्सीमेट करने के बाद ये और ये सब बराबर ही हो जाता है, क्योंकि थीटा जो होता है वो बहुत छोटा होता है, ये थीटा जो होगा अभी देखना आप बहुत ही छोटा होगा, तो एक डिग्री दो डिग्री है ना ऐसे करके होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कितना है, द एंगल ऑफ थीटा सबटेंडेड, अगर मतलब बहुत छोटा होगा थीटा तो आप ये डिस्टेंस को आप मतलब एक ही मान सकते हैं, ये डिस्टेंस डिस्टेंस एक ही होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द टू डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 degree 54 minutes। तो ये एंगल इसने दे दिया, कितना दे दिया है, 1 degree 54 minutes दे दिया है, ठीक है। तो गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ, इतना अच्छा डायमीटर ऑफ अर्थ भी दे दिया है, मतलब ये डिस्टेंस आपको पता है, यानी आपको जो यहाँ पे बी था ना बी वो आपको पता है, यहाँ पे मैंने इसको डी लिया है और इसको एल लिया है, तो यहाँ पे आप ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। आप हमेशा प्लेन एंगल वाला याद रखिए, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर याद रखिए, एल जो है वो आर्क लेंथ होती है, तो आर्क लेंथ यहाँ पर जो है यहाँ पे डिस्टेंस है डी है, और ये जो है ये डिस्टेंस मैंने एल मानी हुई है, तो इसको एल ले लीजिए, ये रेडियस हो गया ना, ये रेडियस हो गया, तो रेडियस मेरी मैंने यहाँ पर एल मानी हुई है, तो ये जो बेसिक फॉर्मूला वो याद रखिए, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, एल जो हमारी आर्क लेंथ है वो हमारी मैंने यहाँ पे डी मानी हुई है, आर जो रेडियस है वो मैंने यहाँ पे एल माना, स्मॉल एल माना हुआ है, तो ये ले लिया। तो आपको ये डायमीटर दिया हुआ है, ये डायमीटर कितना दिया हुआ है, ये डायमीटर दिया हुआ आपको 1.276 × 10^7 × 10^7, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, मतलब ये चीज नोन है, और ये चीज नोन है, तो क्या ये डिस्टेंस एल नहीं आ जाएगा, ये भी आप मेजर कर सकते हैं, ये आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एल जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी बाय थीटा। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो थीटा है वो हमें दिया हुआ है डिग्री और सेकंड में, हमें इसको कन्वर्ट करना होगा रेडियन में, ठीक है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है, ठीक है, कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1 degree 54 minutes दिया हुआ है, तो पहले इस पूरे को डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे करेंगे, तो ये 1 degree तो है ही, प्लस क्या कर देंगे, प्लस जो 54 minutes है उसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा, सॉरी डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसकी को आप ये भी लिख सकते हैं ना 154/60, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो एक ही है, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, तो ये जो कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो पूरा हो गया अभी आ गया रेडियन में, ठीक है। तो आपको थीटा पता चल गया रेडियन में, थीटा आपको अगर रेडियन में पता है, थीटा आपको रेडियन में पता है, डी आपको पता है, तो एल आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल जो है सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया हुआ है, एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इन साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास के लिए इतना सफिशियंट होगा, एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं वापस से हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, ताकि हम लोग अगली क्लास में ढंग से चालू कर पाए। तो हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ देखा है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हमने क्या क्या देख लिया था, हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ में इंस्ट्रूमेंट देखे थे, है ना, रूलर देखा था, वर्नियर कैलिपर बोला था मैंने, स्क्रू गेज के बारे में बताया था, ठीक है, उनके लीस्ट काउंट के बारे में बताया था, फिर हमने पढ़ा था इसके बारे में मैंने बताया था, प्लेन एंगल के बारे में बताया था मैंने सॉलिड एंगल के बारे में बताया था, ठीक है, उनके एसआई यूनिट के बारे में बताया था, रेडियन स्टेर रेडियन, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस करना चालू किए थे मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस से, तो लार्ज डिस्टेंस हम लोग कैसे मेजर करेंगे, मैंने उसके बारे में बताया था कि वो पैरेलेक्स मेथड है, उससे मेजर किया जाता है, उसमें मैंने पैरेलेक्स की डेफिनेशन बताई थी, क्या होता है कि जो फिनोमेना होता है शिफ्टिंग का उसको पैरेलेक्स बोलते हैं, और जिस डिस्टेंस से वो शिफ्ट करता है उसको हम लोग बेसिस बोलते हैं। फिर आज की क्लास में हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लिए, जिसने हमारे ज़्यादातर टाइम कंज्यूम किया, ठीक है, लेकिन ये न्यूमेरिकल डिस्कस करना भी बहुत जरूरी था दोस्तों, क्योंकि अगर आप ये डिस्कस नहीं करेंगे तो आपको थ्योरी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो दो न्यूमेरिकल भी हमने डिस्कस कर लिए, प्लस हमने कुछ थ्योरी भी डिस्कस कर ली।
तो आने वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्मॉल डिस्टेंसेस को कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है। और वो जो स्मॉल डिस्टेंस है वो इतना छोटा होता है कि वो साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल है ना, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, डायमीटर ऑफ एटम, इतना छोटा छोटा हमको मेजरमेंट करना है। तो वो कैसे मेजरमेंट किया जाता है वो मैं आपको अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। तो थैंक यू, बने रहिए। अगर आपको चैनल पसंद आता है, आपको कंटेंट पसंद आता है, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये PPT चाहिए तो उसका जो प्रोसीजर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, कैसे आप ये PPT ले सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, अगली